हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को लेकर बाड़मेर पुलिस अब बरते की सख्ती। बाड़मेर शहर में बीते कुछ दिनों से लोगों की कोविड 19 के मेडिकल एडवाइजरी की पालना नहीं करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बाद हुए कोरोना विस्फोट से जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर लोगों से समझाइश शुरू कर दी है। गुरुवार को बाड़मेर पुलिस ने बाड़मेर शहर की सड़कों पर उतरकर लोगों से बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर पहले ही दिन समझाइश के साथ चालान भी काटती नजर आई। बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह, बाड़मेर डिप्टी महावीर प्रसाद, बाड़मेर कोतवाली प्रेम प्रकाश शहर की सड़कों पर उतरकर कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों से अपील करते नजर आए। शहर के मुख्य मार्गों के साथ साथ शहर के विभिन्न गली मोहल्लों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखने के साथ साथ लोगों से मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जबरी अपील की। एक तरफ जहां शहर में कोरोना के आंकड़ों के थमने के बाद कोरोना ब्लास्ट के बाद लोगों की जबरदस्त लापरवाही सामने आई है, ऐसे में अब मजबूरन खाकी को सड़कों पर उतरकर लोगों से समझाइश और सख्ती करनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात ये है कि जो बातें जनता को खुद समझनी चाहिए उस बात को समझाने के लिए कब तलक खाकी को सड़कों पर उतरना पड़ता रहेगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महावीर प्रसाद इन्होंने ये कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रशासन पुलिस प्रशासन पहले से हम कार्रवाई करें। अब हम थोड़े से विशेष संवेदनशील इसलिए हो गए हैं क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है, बाजार में भीड़ भाड़ रहती है, लोग एक साथ आते हैं, तो हम आज पुलिस प्रशासन और तहसीलदार जी और सब मेरे सर्किल के सारे SHO हम सब एक ग्राउंड पर निकले, उसमें लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं और उसमें चालान भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि आगामी जो त्योहारी सीजन है उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो और कोरोना का संक्रमण है वो ज़्यादा नहीं फैले, उद्देश्य यही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।